गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बच्चों, सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, हाँ क्लास यूट्यूब पे भी लाइव है। आज हम क्या करने वाले हैं, तो मैंने आपको पिछली क्लास आइडिया दिया था बच्चों कि करना है आप पेपर की तैयारी, ठीक है। और पेपर की तैयारी मैं कह रहा हूँ, किसी का ये टर्म हो गया तो भी ये मत सोचना कि अब मेरे तो ये तो करा रहे हैं पेपर की तैयारी, अब मेरा आ गया छुट्टी का टाइम। पेपर की तैयारी मतलब बोर्ड की तैयारी, जितना हो गया उस पर बोर्ड की तैयारी। और बोर्ड की तैयारी में टर्म अभी रहता है तो भी ठीक है, नहीं रहता है तो भी ठीक है, टर्म रहता है तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो अभी 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद भैया प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे, चाहे फुल सिलेबस हो चाहे पार्शल हो, ठीक है भैया। तो सब आपको बहुत फायदे वाली बात रहेगी। रिविजन में मैं रोज बार बार कह रहा हूँ, एक भी क्लास आपकी छूट नहीं जानी चाहिए, एक भी क्लास किसी भी हालत में छूट नहीं जानी चाहिए, ठीक है जी। सुनते रहना बस अभी एक मिनट। सर कब करेंगे, क्या कब करेंगे, दोबारा बोलना सर। लाइव क्लास, लाइव सैंपल पेपर वाली, बोलो बोलो। नो सर, आपने कहा था ना बीसीसी ऐप पे करेंगे। बीसीसी ऐप पे करेंगे तो सही है, तो बात है, लेकिन अभी 2-4 दिन में नहीं हो पा रही, ठीक है। मतलब मे भी शायद 1 वीक तक का गैप चले जाए, क्योंकि उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं कुछ, उसका टाइम जब तक नहीं लगेगा तब तक बात बनेगी नहीं, ठीक है। तो अभी उस तरफ ध्यान नहीं। हाँ जी सर, एक बार वो लेस देन और वो मोर देन वाली टेबल दोबारा समझा दोगे सर। नहीं, आज तो बिल्कुल समझाएंगे, लेकिन आज नहीं बच्चे, आज उसका समय नहीं है, ठीक है। आज मैंने जो सोचा है, पहले सिमिलर ट्रायंगल मैं आपको बता दूं, आप मैं क्या कराने जा रहा हूं आपको, सब ध्यान से सुनो। वो मैं आपको सैंपल पेपर होंगे, उसमें कई बार ही आएगा, तो आपकी जो इस तरह की क्वारी होती है ना, वो उसमें निकल जाएंगी, मतलब प्रॉब्लम सेटल्ड हो जाएगी, उसमें दोबारा बता दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त हाँ, सब बच्चे आप सुन लो भैया, मैं क्या कह रहा था, सिमिलर ट्रायंगल मतलब एक जनरल बात करें, फर्स्ट सेम में होने वाला चैप्टर है, चाहे आपके स्कूल में आए ना आए, होना चाहिए, बड़ी चैप्टर है, हुई नहीं है लेट बैचेस की वजह से, कुछ और एक आधे चैप्टर हो गए छोटे वाले, लेकिन ये नहीं हुई है। तो मैं कह रहा हूँ आना तो है, और तैयार अभी होना चाहिए, जैसे बोर्ड की हमारी तैयारी बढ़िया बनानी हो तो हमें, मैं अभी लास्ट क्लास बता दिया था, 4 थ्योरम इस चैप्टर में होती थी पहले। थ्योरम तो एनसीईआरटी में ज्यादा मिलेंगी आपको, जो प्रूफ आती थी, जो सिलेबस में थी, वो प्रीवियस ईयर तक पिछले 20 सालों से 4 थ्योरम्स थी बस। प्रूफ में हमें 4 का प्रूफ तैयार करना होता था, उसमें 1 4 मार्क की श्योर आएगी। अब 1 साल उस 1 थ्योरम उसमें से, एरिया थ्योरम जिसे हम नाम देते हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस इस साल की है इन्होंने, सिर्फ इस साल के लिए, बाकी 3 आनी है। मैं कह रहा हूँ आज और कल की क्लास में सब बच्चे टाइम लगा के 3 थ्योरम मेरे से सीख लो, ठीक है भैया, 3 थ्योरम सीख लो, तो आपका 1-4 नंबर यहाँ पक्का हो गया। और इसके बाद इस एनसीईआरटी को होल्ड कर देंगे, फिर आगे चैप्टर नहीं करेंगे, फिर मेन क्लास में मैं सैंपल पेपर लेके आऊंगा, इन्हीं मेन क्लास में, क्योंकि जूम वाली क्लास है ना, इसमें सब 2-वे ट्रैफिक चलता है ना, कि जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा सर लेस देन मोर देन में मेरे को एक प्रॉब्लम है दोबारा बता दो, तो पेपर उसमें उस हिसाब से चलेंगे, और मैं भी अच्छे से बोल पाता हूँ, क्योंकि जब आप पूछ रहे होते हो तो अकॉर्डिंगली आइडिया लेके पढ़ाना पड़ता है ना, फिर बच्चों की क्या क्वेरी चल रही है, तो उसमें सैंपल पेपर में एक जबरदस्त तैयारी आएगी, वो 20-25 दिन तक चलेगा, और उसमें मैं सिमिलर के भी बहुत सारा टाइप पूरा कर दूंगा, चाहे मैंने एनसीईआरटी ना कराई हो, मतलब कुल मिला के आपको एग्जाम में फायदा आ रहा होगा, ठीक है भैया। अब मेरे हिसाब से एग्जाम की तैयारी पे आ जाओ, फिर मैं कह रहा हूँ छोटा लालच करना कि आपके अभी वाले एग्जाम की तैयारी है, बड़ा लालच करना ये आपकी बोर्ड की तैयारी है, 8 से 10 चैप्टर की, 8 से 10 चैप्टर की, लगभग लगभग 10 तो पूरा होंगे इसमें, बहुत अच्छे तैयार होंगे, ठीक है भैया। तो 15 से 20 दिन डट के तैयारी करेंगे अभी, ठीक है। अब आ जाओ, पहले थ्योरम,
डीपीटी, ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है सभी सुनना जरा। एक तो कोई भी थ्योरम की ना स्टेटमेंट ही पूछ लेता है वो वन मार्क्स में, वन मार्क में थ्योरम को स्टेट, जैसे इसका नाम है पहली थ्योरम को ये मैं अभी समझाऊंगा यहाँ पर, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। चैप्टर का कंसेप्ट अभी कोई नहीं बोल रहा मैं, इवन मैं जिस दिन चैप्टर आपको कंसेप्चुअल भी कराऊंगा ना बच्चों, मतलब पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज में चैप्टर के नाम और उसके कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, वो तीसरी से शुरू होगा, थर्ड एक्सरसाइज से शुरू होगा। तो सबसे पहले वो मतलब चैप्टर आज भी शुरू कराना हो ना, हम बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल को छोड़, ट्रायंगल को छोड़, पहले फर्स्ट थ्योरम समझ भी, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम के, बाकी बातें बाद की है। तो वही अभी कह रहा हूँ, बाकी बातें बाद की है, पहले ये पहली थ्योरम समझो, जिसको वो कई बार नाम से वन मार्क में पूछ लेता है, स्टेट बीपीटी, वन मार्क्स में बीपीटी की स्टेटमेंट लिख दो, याद होनी चाहिए। अभी याद मत करना, अभी समझो मेरे साथ, जब पूरी थ्योरम समझ में आ जाए फिर याद कर लेना। और याद भी क्या करना, अच्छा बच्चा सर आपने समझा दी, रिजल्ट मेरे को पता है, मैं बना के लिख देता हूँ, तो वही होना चाहिए, ठीक है, वही होगा भी ज्यादा बच्चों के साथ, सुनते रहना। लेकिन अच्छा टाइम लगेगा ज्योमेट्री में ना, मैं आप थोड़ी सी आपको बेसिक दे दूं, आप सारे बच्चों की जो प्रॉब्लम है ना, जिसको मतलब मैथ्स अच्छा नहीं लगता, मैं कह रहा हूँ जो 40, 42, 45 नंबर लाता है, ऐसा नहीं है बच्चा सोच नहीं सकता, ऐसा जरूर है। जिस दिन वर्ड प्रॉब्लम आई थी ना मैथ्स में, पहले दिन जब भी आई थी वर्ड प्रॉब्लम, लैंग्वेज से बने क्वेश्चन, पढ़ाने वाला टीचर हल्का मिल गया थोड़ा सा, ठीक है भैया, मतलब डांटने पीटने वाला भी कम मिल गया और समझाने वाला भी कम मिल गया। समझाता अच्छा होगा तो डांटता पीटता नहीं होगा, डांटता पीटता होगा तो समझाता अच्छा नहीं होगा। तो वह वर्ड प्रॉब्लम में जहां आपको दिक्कत रह गई ना, फिर आपके आगे के साल मैथ्स में खराब आने शुरू हो जाते हैं, प्लस माइनस तो देखो आज तक सबको आती है। तो ये लैंग्वेज वाला चैप्टर है भैया, आपको ध्यान हो, थोड़ा बहुत मैंने लीनियर की वर्ड प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम कराई, मैंने कहा जिसको वो हैंडल करनी आ जाए ना, वो मैथ्स में ट्यूशन नहीं पड़ता, वो मैथ्स में अपने आप 90 प्लस लाता है, ठीक है। ये भी लैंग्वेज वाला चैप्टर है, जिसको लैंग्वेज हैंडल करनी आती है ना, उसको किसी की जरूरत नहीं है, खुद कर लेता है। और मेरी कोशिश है ये मैं आपको सिखा दूं कि आपकी मैथ्स बेटर हो जाए। तो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं, जो मतलब कि ज्योमेट्री में क्या क्या है, मतलब सबसे मुश्किल, ज्यादा बच्चों की बात कर लो, 99% बच्चा स्कूलों का टॉपर बोलता है सर पूरी 10 तैयार हो गई, कहीं नहीं अटकूंगा, और अटकूंगा तो सिमिलर ट्रायंगल के प्रूविंग क्वेश्चन में अटकूंगा। जब सारा साल पढ़ लोगे तब ये कह सकते हो आप, हमें तो अभी पता है तो हम उसी हिसाब से पढ़ाएंगे कि बेटा ये भी तू कह सकता है सब समझने के बाद, और तेरे को आता होगा फिर भी कह देगा। तो इसलिए ना दो तीन चीजों का ध्यान लगा कि ज्योमेट्री में क्वेश्चन क्यों नहीं सोचे जाते, ठीक है, किस चीज की वजह से होते हैं, सारी बातें सुनना जरा। एक तो लैंग्वेज समझना आनी चाहिए कि कोई को थ्योरी पढ़ी उसने क्या गिवन दिया, क्या टू प्रूफ दिया, निकालना आना चाहिए, ठीक है। आप में से अभी 80% से ज्यादा बच्चे कह दोगे सर इतना तो हमें आता है, मैं तुम्हें 100 के 100% बच्चों को फंसा दूंगा इतने पे, अभी के अभी सारे टेस्ट करके दिखाऊंगा अभी, कि तुम लैंग्वेज से गिवन और टू प्रूफ तक नहीं बोल पाओगे। तो पहली प्रॉब्लम ये आती है, मानो ना मानो, अभी करके दिखाता हूं मैं। जब गिवन और टू प्रूफ समझ में आ गया आपको, सर मैं लैंग्वेज पढ़ता हूं और मैं इतना समझदार हो गया, मैं हर क्वेश्चन में चाहे जो मर्जी दो गिवन निकाल लूंगा, क्या दिया आपने और क्या टू प्रूफ करने को कह रहे हो, मैं कह रहा हूं चल बहुत बढ़िया, एक लेवल अच्छा हो जाएगा उस दिन तेरा। दूसरा, कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की ज्योमेट्री से हो रहा है, प्रीवियस ईयर की ज्योमेट्री से, पुराने कंसेप्ट से हो रहा है, आप कुछ भी भूल गए, 5% भी भूल गए, आपको ज्योमेट्री मुश्किल लग सकती है, ठीक है भैया। दूसरी बात ये, ठीक है। और तीसरी बात, करंट ईयर के कोई ऐसे कंसेप्ट हैं जो टीचर के ऊपर है कि वो आपको ऐसे समझाए कि इस साल वो मुश्किल ना लगने दे। लेकिन मैं कह रहा हूं मैंने इस साल मुश्किल नहीं लगने दिया, मैंने समझा दिया चलो, तब भी मैं ज्योमेट्री बेटर नहीं कर सकता। लैंग्वेज पोर्शन बेटर होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का सारा कंसेप्ट बेटर होना चाहिए, इस साल को एक अच्छे तरीके से बोले हम तो आपको समझ में आना चाहिए, तो जाके ज्योमेट्री ठीक बनेगी। 10th मैथ्स का सबसे बेस्ट चैप्टर है। मैं तीनों चीजें आपको थ्योरम में दिखाऊंगा। देखो मैं लगभग 30 से 40 मिनट में एक थ्योरम कराऊंगा भैया, 5 मिनट में भी करा सकता हूं, लेकिन आपको समझ में आएगा ज्योमेट्री। जो बच्चा फेल होता है, 0 नंबर लाता है, उसको भी हम पूरे में से पूरे नंबर दिलवा देंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं होगा, उसके लिए तरीका लगेगा, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना, सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ठीक है, आपको अपने हिसाब से कुछ भी नहीं बोलना, जैसे जैसे मैंने बोलना उसका जवाब देना है, जिन जिन बच्चों से पूछा जाए, ट्राई मारना, हो ना हो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब मेरे लिए एक जैसे बच्चे हैं, लेकिन कोशिश करना बोलना जरूर, नहीं हो रहा हो तो नहीं, नहीं तो तुक्का मार देना, उसमें भी क्या है। मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जी, आप ज्यादा बच्चे सोच रहे होंगे ना यार इन्होंने इतनी सारी कहानी तो सुना दी, लेकिन हम गिवन टू प्रूफ तो कम से कम हर क्वेश्चन में सोच लेते हैं, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, राम लकड़ी काटता है, बिल्कुल हिंदी में बात कर रहा हूँ, ठीक है भैया, राम लकड़ी काटता है, ठीक है। किसी बच्चे से पूछा जाएगा वही जवाब देगा, हर्ष रातावाल आप बताओगे, मैं कह रहा हूं प्रूफ करो राम लकड़ी काटता है में गिवन क्या है, हर्ष रातावाल जल्दी बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा आप नहीं बोल पा रहे, आप ये माइक खोल के बोल सकते हो, सर मैं नहीं बोल पा रहा, अगले की टर्न आ जाएगी,
सीख ही रहे हैं, ट्राई करना है। हर्षित, हर्षित जल्दी से, इतना टाइम मत लो यार, मूवमेंट खराब हो जाएगा। सर राम एंड लकड़ी। अच्छा जी, हर्षित बड़ा जबरदस्त बच्चा है, बोल रहा है राम गिवन है लकड़ी गिवन है, पता नहीं सही है गलत, थोड़ी देर बाद आऊंगा। चिराग बताएगा गिवन क्या है। चिराग, अरे लकड़ी काटता है, लकड़ी काटता है गिवन है, ठीक है। और लावण्या बताएगी गिवन क्या है। लावण्या फटाफट बच्चे, जल्दी जल्दी, लकड़ी काटता है, लकड़ी काटता है गिवन है। देखो आप फंस गए सारे के सारे। कवनूर बताएगी सर राम लकड़ी और काटता। होता राम लकड़ी भी नहीं बोला जा रहा, लड़की बोल रहा है, ढंग से बोल, लकड़ी बोला है। मजाक के लिए कर रहा हूँ, मैंने भी सुना लकड़ी बोला। ठीक है भैया, खैर रुको रुको रुको, अभी अभी दो चार और, चलो ओपन जो बोलना चाह रहा है। गिवन क्या है। गिवन राम लकड़ी और राम लकड़ी काटता है। गिवन लकड़ी है, पूरी स्टेटमेंट है, पूरी स्टेटमेंट है, लकड़ी है, कुछ नहीं है। चलो रुक जाओ, होल्ड कर दो, अब सब हो गया, अपने आप पे स्टेटमेंट है। मैं बोलूं, अब ध्यान से सुनना। अच्छा एक बारी मैं कह रहा हूँ, गिवन और टू प्रूफ को भूल जाओ, देखो सब फंसे हो आप। एक आधा ही बच्चा है जो कि काफी अच्छा होगा अपने कंसेप्ट पे, सिर्फ एक आधा, इतनी भीड़ में और दिमाग सबके पास एक से एक। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कभी भी जब कंफ्यूज हो ना, अभी छोड़ो मैंने क्या समझा दिया, कीमत इसकी भी नहीं है, जिस दिन कंफ्यूजन होगी उस दिन ये ट्रिक यूज करना। मैं कह रहा हूँ मैं गिवन टू प्रूफ कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ राम लकड़ी काटता है, मैंने एक स्टेटमेंट बोली है। इस स्टेटमेंट में मीनिंग क्या क्लियर हो रहा है, काम क्या हो रहा है सर? इस स्टेटमेंट से पता लग रहा है लकड़ी कट रही है, लकड़ी कट रही है। अब मैं कह रहा हूं, मैं बाहर लिख रहा हूं इसके, प्रूव इट, राम लकड़ी काटता है, प्रूफ कर। सर अगर आप प्रूव इट नहीं बोलते तो मेरे को ये दिख रहा था लकड़ी कट रही है, डेफिनेटली लकड़ी कट रही है, दिख रहा था आपको रिजल्ट से। अब मैं कह रहा हूं इसी को प्रूफ कर, यानी अभी मैं गिवन नहीं बोला, अभी मैं ट्रू प्रूफ बोल रहा हूं, तो प्रूफ करना है लकड़ी कट रही है। सर गिवन क्या है, अगर तुम्हें प्रूफ करना है लकड़ी कट रही है तो इसके अलावा हर चीज गिवन है। राम आपके पास है, राम है जब तो लकड़ी काटेगा, लकड़ी आपके पास है, ठीक है भैया। वुड, लकड़ी को, वुड को लकड़ी कहते हैं, कभी सोच रहे हो लकड़ी क्या है, ठीक है भैया। राम लकड़ी काटता है, राम गिवन है, लकड़ी गिवन है, सबसे पहला बच्चा सही बोला था और उसको सुन के भी उसके बाद कोई सही नहीं बोला। राम और लकड़ी गिवन है, पूरी स्टेटमेंट का एक मतलब है कि लकड़ी कट रही है, ठीक है भैया, वही प्रूफ करना है। एक मिनट में क्या कहना चाह रहा हूँ, आपने एक लैंग्वेज पढ़ी, मैं अभी देखो इस थ्योरम में डाल के दिखाऊंगा, मजा सा आ जाएगा आपको। थ्योरम कराते हुए मैं किसी भी बच्चे को आती नहीं एक भी शब्द नहीं बोलूंगा और सारी की सारी प्रूफ आपसे लिखवाऊंगा 100%, इसलिए एक एक शब्द सुनते जाना। सर इस स्टेटमेंट से पता लग रहा है कि राम लकड़ी काट रहा है, प्रूफ करना है तो यही प्रूफ करना है कि राम लकड़ी काट रहा है। गिवन में राम है और गिवन में लकड़ी है, ठीक है। हटाते हैं इस बात को, एक किसी दूसरी बात पे आते हैं। मैं बहुत छोटे छोटे मोमेंट बोलूंगा यार, मेरे को जवाब देना। एक नंबर कोई, पहला नंबर 3 है मेरे पास, दूसरा नंबर 6 है, इनकी रेशियो निकालनी है। रेशियो निकालने के लिए इन्हें मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड? डिवाइड कर दो, रेशियो आ जाती है। इतने बढ़िया बच्चे आप, अभी देखते जाना, देखो कहां से कहां बातें ले जाऊंगा, और जब थ्योरम कर रहे होंगे तो आप मुझे बता रहे होंगे, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ और बता रहा हूँ। एक लाइन सेगमेंट है, ये भी शब्दों को ध्यान देना भैया, लाइन का टुकड़ा जो किसी एंड से बढ़ नहीं सकता, लाइन सेगमेंट है ये भी, जिसे मैंने डी पॉइंट से इंटरसेक्ट कराया। किसी का माइक खोल है बच्चे, माइक बंद कर लो, बाकी बच्चे जो जो भी नहीं बोल रहा है सब माइक बंद रखो जब तक आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ए बी लाइन सेगमेंट को डी पॉइंट से इंटरसेक्ट करा दिया हमने, इस लाइन सेगमेंट के दो टुकड़े हो गए ए डी डी बी। अच्छा मेरे शब्दों में बातों को सीखना, आगे बड़ा आसान सा रहेगा। दो टुकड़े, टुकड़े बोल दिए ना पार्ट्स को, दो टुकड़े हो गए ए डी डी बी। मैं कह रहा हूँ इन टुकड़ों की रेशियो बताओ, नंबरों की तो बता दी थी, ए डी और डी बी की रेशियो क्या? ए डी डिवाइडेड बाय डी बी। सर जिन चीजों की रेशियो निकालनी है डिवाइड में लिखो ना ए डी बाय डी बी। चलो यार तुम तो बहुत ही बढ़िया बच्चे हो, एक काम और कर दो। मैं कह रहा हूँ इधर ए सी एक लाइन सेगमेंट और है, ए सी ई पॉइंट से इंटरसेक्ट करा दिया, इधर भी दो पार्ट बन गए, उनकी रेशियो बोलो ए अपॉन ई। सब बच्चे दिमाग लगा के रखना, थ्योरम अपने आप होनी है अगर आप ये बातें बोल गए तो। मैं कह रहा हूँ इधर वाले दो टुकड़ों की रेशियो ए डी बाई डी बी, उधर वाले दो टुकड़ों की रेशियो ए बाई ई सी, ये टुकड़ों की रेशियो इक्वल प्रूफ करनी है, ऐसा मान लो मैं कह दूं तुम्हें, तो बच्चा बोलेगा सर टू प्रूफ तो फिर मैं लिख ही लूंगा ना, इन दो टुकड़ों की रेशियो ए डी बाई डी बी, उनकी ए बाई ई सी इक्वल प्रूफ करना है, टू प्रूफ में लिख लूंगा। सर बड़ी छोटी छोटी बातें कर रहे हो, जैसे फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो। अरे आओ ना, अभी एक मिनट, एक चीज और हो जाए, ठीक है।
किसी ट्रायंगल, देखो छोटी बात कर रहा हूँ ना, दम दिखाओ किसके अंदर कितना दम है। किसी ने अगर सिमिलर ट्रायंगल के बैच में ऐड था और ये कंसेप्ट सुन लिया वो मत बोलना भाई, वो थोड़ा अपने पास रखना बात, ठीक है। बाकियों को चैलेंज पूरा करने देना। ट्रायंगल एबीसी, मैं कह रहा हूँ एरिया निकालना, सारे बच्चे मुझे बता देंगे एक सेकंड के अंदर, सर एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रायंगल में हाफ बेस साइड, मान रहा हूँ बता दोगे भाई, जो पूछ रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट को देखना, अभी अपने आप से मत बोला करो तनिष्क, ध्यान से सुना करो, ठीक है। आप अपना इंटेलिजेंट खराब करते हो जब आप इधर उधर की बातें करनी शुरू कर देते हो, पहले कॉन्टेक्स्ट को समझा करो। मैं कह रहा हूँ ट्रायंगल का एरिया निकालना, हर बच्चे को पता है फॉर्मूला होता है हाफ बेस साइड। एक रूल और सुन लेना जो आपकी नॉलेज अगर कम हो तो, जैसे मैं किसी को कहूँ बेस क्या तो बच्चा मेरे को बीसी बोलेगा, मैं ये नहीं कहूंगा गलत बोला लेकिन अधूरा बोला, बच्चे को ये कह सकता है बच्चा सर बेस बीसी भी ले सकता हूँ, बेस एबी भी ले सकता हूँ, बेस एसी भी। सर आप नहीं बताओगे तो ट्रायंगल में बेस कुछ भी हो सकता है सर, वो हमारा मन होता है हम क्या ले, ठीक है भैया। लेकिन मान लो एक बारी आप कह रहे हो सर बेस मान लो हम बीसी ले रहे हैं एरिया निकालने में, तो हाइट कोई भी बताएगा, हाइट क्या हुई एडी हो गई हाइट। अच्छा हाइट को तेरा ध्यान से सुन लेना, मैं आपसे एक जनरल पूछ रहा हूँ पहले बात, एक ट्रायंगल की हाइट ट्रायंगल के अंदर बनती है कि बाहर बनती है? इसी चक्कर में तेरी पूरी थ्योरम अटकेगी, तू सोचता रह जाएगा, आसान सी थ्योरम नहीं समझ में आएगी। लगता तो मेरे को भी, मैं पहली बार पढ़ू ना मेरे को भी लगेगा ट्रायंगल की हाइट तो ट्रायंगल के अंदर बनेगी, जबकि गलत है। सुनना पहले हाइट की डेफिनेशन सुनो, बेस कोई भी साइड ले लो, मान लो आप बेस बीसी लेना चाह रहे हो तो जो ट्रायंगल में बेस लोगे उसके सामने वाला वर्टेक्स कॉर्नर पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, सामने वाले वर्टेक्स से बेस पे 90 की लाइन डालो उसे हाइट कहते हैं, बेस पे 90 की लाइन सीधी लाइन डालो उसे हाइट कहते हैं, हाइट की डेफिनेशन है। एक मिनट सुनते रहना, अब आ गया मैं वो बात, मेरे को थ्योरम समझाने में कुछ लगता ही नहीं यार, मैं समझा दूंगा 10 बच्चे कंफ्यूज रह गए मेरे समझाने का क्या फायदा हुआ, क्योंकि उसे पुरानी मैथ्स ही नहीं आती बेचारे को, ठीक है भैया। तो सुन जरा ध्यान से सुन, अब देखो ट्रायंगल तो ये भी है, बस ये थोड़ा प्रॉपर ट्रायंगल नहीं है, क्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं है, सब देख रहे होंगे आड़ा तिरछा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। नामों पे मत जाना जिन नामों का आपको पता नहीं है, कई बच्चों को नहीं पता होता, ठीक है भैया। तो देखो एक कोई भी ट्रायंगल है आड़ा तिरछा ट्रायंगल, ऐसे मान लो मैं कह रहा हूँ, मान लो एरिया निकालने में आपको बेस बीसी ही लेना, आपको ऐसा पता लग गया किसी ने बता दिया बेस बीसी लेगा बेटा तू, बच्चा कह रहा है सर हाइट, हाइट आपको कंस्ट्रक्शन से बनानी है, बताना हाइट इस ट्रायंगल में बेस के सामने वाला वर्टेक्स से बेस के ऊपर 90 की लाइन डालोगे और बेस को बढ़ा दो अगर वो ना काट रहा हो तो, ट्रायंगल की हाइट ट्रायंगल के अंदर बनी है ट्रायंगल के बाहर बनी है? ये समझो कि किसी ट्रायंगल का हाइट कोई जरूरी नहीं है ट्रायंगल के अंदर बने। एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो अंदर बन जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो बाहर बन जाता है, एक्यूट ऑब्ट्यूज मत जाना बच्चों, बस इतना कि जो भी बेस लेंगे उसके सामने वाले पॉइंट से जो 90 की लाइन है, जो 90 की लाइन है वही हाइट है, ठीक है। दूसरी बात पूरी की, ठीक है, आते रहना, अभी कुछ नहीं लिखना आप लोगों ने, ध्यान से सुनते रहना। अभी अभी एंड में बिल्कुल बोल लेना, आपके सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से अपने आप ही निपट जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल जब थ्योरम खत्म कर दूंगा तब, और जो साथ की साथ बात आ रही है वो साथ की साथ जितना बोल रहा हूँ सिर्फ उससे रिलेटेड, डाइवर्ट मत करना, अभी डाइवर्ट वाली बात बिल्कुल एंड में बोल देना, लिख के रख लेना, भूलना मत। हाँ जी, अभी सुनते रहना बच्चों सारे, ठीक है। दो पैरेलल लाइन नाइन्थ का प्रॉपर्टी है, मैं कह रहा था ना पुरानी बातें भी याद नहीं आएंगी तो हम सोचते रह जाएंगे, तो देखो जिसको याद आ जाए थोड़ा इशारा दे रहा हूँ आपको, दो पैरेलल लाइन एक ही बेस आप बोलो कोई भी ट्रायंगल सेम बेस, टू ट्रायंगल सेम बेस, इक्वल एरिया, दो ट्रायंगल जो कि पैरेलल लाइनों के बीच में एक ही बेस से बनते हो, एक ही बेस से पैरेलल लाइनों के बीच में बनने वाले दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, यानी एबीसी का एरिया और डीबीसी का एरिया इक्वल होगा। एक मिनट, जब आपको स्पेसिफिक बताया नहीं जाता ना भैया, ज्यादा बच्चा कहाँ गलती करता है वो वहीं करता है। अब देखो कितनी आसान बात है, आपकी तकलीफ क्या है, कम से कम मतलब 90 बच्चा पढ़ रहा है ना, 20 बच्चों की तकलीफ बता रहा हूँ, उन बेचारों ने समझ तो लिया लेकिन लैंग्वेज मतलब जब लिखेंगे ना तब मेरे को बार बार कह रहे होंगे, मैं थ्योरम करा रहा हूँ, समझ में पूरी आ जाएगी, सर ये रीजन बोल दो। तो भैया अगर तुमने मेरे से सुन के ही लिखना है तो तुम ज्योमेट्री कैसे करोगे? तुमने समझ लिया ना, दो पैरेलल लाइनों के बीच में एक ही बेस से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, लैंग्वेज बना के लिख, यही लिखना है रीजन में, जहां तेरे को जरूरत है तेरे को दिख गया एरिया इक्वल है, तूने लिख दिया दोनों एरिया इक्वल है, रीजन लिखना पड़ता है ना ज्योमेट्री में, तो लिखो ना एरिया ऑफ टू ट्रायंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन एंड ऑन द सेम बेस आर इक्वल, या अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज जो भी है उस लैंग्वेज में लिखना है, किसी को सुन के लिखने नहीं लिखना। शुरू में थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, थोड़ा सा मैथ्स में नंबर नहीं कटते, ठीक है भैया,
और धीरे धीरे बेटर सीख जाओगे। मतलब खुद बना के लिखना है, जितना बच्चा यहाँ अच्छा करता है वो खुद बना के लिखता है, वो सुन के नहीं लिखता, वो समझता है बस दूसरे से। ठीक है भैया, अभी सुनते रहना बस। अब हम आ गए थ्योरम पर, अब देखना जरा। अच्छा एक बात और बता दो, नहीं तो आप लोग ना मेरे साथ अभी 10-15 मिनट लगा नहीं पाओगे, आप थक जाओगे। और थ्योरम में थोड़ा मेरे को टाइम लगता है क्योंकि जरूरी बातें होती हैं बहुत सारी बताने के लिए। एक बारी भैया, जैसे हम हमको पता है ज्योमेट्री के क्वेश्चन में गिवन लिखना है, टू प्रूफ लिखना है, प्रूफ लिखना है, इनके भी नंबर होते हैं। ठीक है, थ्योरम में तो पक्का ही होते हैं गिवन टू प्रूफ सब लिखना है। मान लो किसी क्वेश्चन में गिवन में मतलब दो तीन बातें हैं, जैसे कि मैं एक नॉर्मल बात कह रहा हूँ, ट्रायंगल में कोई पैरेलल लाइन दी हुई है, डी पैरेलल बीसी दी हुई है। ठीक है, तो मैंने गिवन में सिर्फ इतना लिख दिया, क्वेश्चन है डी पैरेलल बीसी, क्वेश्चन में नंबर नहीं कटेंगे। जबकि मान लो थ्योरम में वो कह रहा है भैया ये जो डी लाइन बीसी के पैरेलल है ना, ये डी पॉइंट एबी के ऊपर है, पैरेलल तो है लेकिन डी पॉइंट एबी के ऊपर है, ऐसा कह रहा है, बोलो गिवन में लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? थ्योरम में, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, लिखना पड़ेगा। जो आप पता नहीं क्या कह गए, कोई कह सकता है सर पता नहीं क्या कह गए, लेकिन हमको एक बात समझ में आ गई, आप बिल्कुल स्पेसिफिक हो रहे हो कि छोटी से छोटी बात जो गिवन में दी हुई हो ना वो लिखनी पड़ेगी, स्किप नहीं होनी चाहिए। लेकिन थ्योरम में नहीं तो टीचर नंबर काटते हैं, क्वेश्चनों में काम चला लेंगे कि मोटे तौर पे बड़ी बड़ी बातें सारी लिख दी और क्वेश्चन प्रूफ ढंग से कर दिया, नंबर एक भी नहीं कटेगा। थ्योरम में तो एक डॉट भी छोड़ दो, एक बिंदु भी छोड़ दो, इतने बूढ़े बूढ़े टीचर हैं तुम्हारे स्कूल वाले, उनको ऐसे छपी हुई है दिमाग में थ्योरम में, वहीं पकड़ देते हैं इसने ये बात नहीं लिखी, अब नंबर काट इसके, कटते भी हैं थ्योरम में। अब आ जाओ देखो, अब हर चीज तुम्हें बता चुका हूँ, जवाब थोड़ा सा सुनना और थोड़ा सा बताना। थ्योरम 6.1 नाम है बच्चों इसका, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम जिसे शॉर्ट में बीपीटी बोलते हैं, नाम पता होना चाहिए, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, या इसे थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, नाम भी ध्यान देना, कभी कभी वो नाम से ही पूछ लेता है, थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। ठीक है, आप छोड़ो नामों को, पहले स्टेटमेंट, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, एक भी पेन मत चलाना भाई, मैं आपका मैथ बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप एक थ्योरम मत मान लेना इसे। ठीक है भैया, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की किसी एक साइड बीसी ले लेते हैं, के पैरेलल अगर कोई लाइन बनाए, देखो बीसी के पैरेलल मैंने लाइन बना लिया डी। अच्छा बहुत बच्चों को पता होगा लेकिन कुछ को नहीं पता होगा, पैरेलल जब लाइन बनाओ ना तो उसका एक सिंबल होता है सेम डायरेक्शन का, एक या एक से ज्यादा एरो डाल सकते हो सेम डायरेक्शन में, तो उसका मतलब होता है लाइनें पैरेलल है, वो दिया हुआ आपको। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल, बिल्कुल एंड में पूछना भाई, जो पूछना अपने अपने क्वेश्चन मार्क कर लो। ठीक है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, एक एक साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करें, पैरेलल दे दिया उसने, उसके बाद क्या बोल रहा है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, जो जो ये लाइन है अदर टू साइड को डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, सर पैरेलल लाइन बनाई है बाकी दो साइडों को डी और ई पर इंटरसेक्ट भी कर रही है वो भी ठीक है करेगी, तो क्या पढ़ते जाओ आगे, तो द द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, तो ये बाकी दो साइडें सेम रेशियो में डिवाइड करेंगी। एक मिनट प्रॉब्लम सुन लेना जरा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर सोच के कर रहे हो तो। सर कुछ भी कह दिया, कुछ भी कह दिया सर, ये कहाँ लिखा, क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, ये तो बोला ही नहीं उसने। अरे पेपर में जब जाते हो ना आपका टीचर, यहाँ तो नहीं लिखा, छोड़ो उस बात को, आप आपका टीचर ये पूरा रिजल्ट इन्वर्टेड कोमा में लिखता है और बाहर लिखता है प्रूव इट, तो इसमें तो अंदर तो उन्होंने नहीं बोला ना क्या गिवन है, अंदर तो नहीं बोला ना प्रॉपर जैसे क्वेश्चनों में लिखा होता है क्या प्रूफ करना है। तो बच्चा कहता है सर जैसे आप कह रहे थे राम लकड़ी काटता है और बाहर कह रहे थे इन्वर्टेड कोमा के बाहर प्रूफ कर, तो सर पूरी स्टेटमेंट का तो एक ही मतलब है, राम लकड़ी काट रहा है तो वही प्रूफ करना है, राम लकड़ी काट रहा है, लकड़ी कट रही है वो प्रूफ करना है। ठीक है भैया, राम और लकड़ी गिवन है। अब देखो मोटे तौर पे सुनना जरा, अगर ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल अगर लाइन बनाई जो कि बाकी दो साइडों को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो ये दो पॉइंट अगर पैरेलल लाइन बनाएंगे तो ये दो पॉइंट इन दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, रिजल्ट ये है, राम लकड़ी काटता है, रिजल्ट है लकड़ी कट रही है। अगर पैरेलल लाइन बनाओगे तो ये साइडें सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, प्रूफ कर रहा है। अगर पैरेलल लाइन बनाओगे तो ये साइडें सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, लाइनें पैरेलल है या रेशियो इक्वल है? रेशियो इक्वल है। अभी सोच लो बच्चों, उसने कहा ना अगर लाइन पैरेलल बनाई तो ये पैरेलल लाइन से इधर दो पार्ट बने उधर दो पार्ट बने उनकी रेशियो इक्वल होती है। पूरी स्टेटमेंट में तो ये कह रहा है पैरेलल लाइन बनाओगे तो रेशियो इक्वल होती है, लास्ट में कह रहा है प्रूफ कर। तो जो होता है राम लकड़ी काटता है लकड़ी कट रही है वही प्रूफ करना है। जब भी लाइन पैरेलल बनाए रेशियो इक्वल होती है, प्रूफ कर, रेशियो इक्वल प्रूफ करना है। गिवन में है लाइन पैरेलल है। ठीक है, अगर दम है किसी में भी तो मोटे तौर पे आप समझ गए, मैं चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन नंबर लेने के लिए गिवन
लिखवा देना, मैं ही लिख रहा हूँ, आप थोड़ी सी कमी बता देना उसमें। ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में गिवन ये है कि एक पैरेलल लाइन बनाई है हमने और जिसके नाम हमने जो डाले हैं अकॉर्डिंगली लिख देते हैं, डी इज पैरेलल टू बीसी। बोलो इतना गिवन पे छोड़ू, लाइन पैरेलल बनाई है, मेरे बोलते ही चुप हो जाएगा करो, ठीक है, वो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है बाकी दो साइडों को डिफरेंट पॉइंट पे, सर थ्योरम में नंबर कटेगा एक यहीं पे। इन ट्रायंगल एबीसी डी इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है, पैरेलल है जो कि बाकी दो साइडों को दो पॉइंट पर काट रही है, काट रही है दिख रहा है डी और ई पर, तो लिखोगे ना आगे, सिर्फ थ्योरम में कह रहा हूं मैं ये बात, विच इंटरसेक्ट, कितना टेक्निकल होना है थ्योरम में, विच इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, ठीक है भैया, लाइन पैरेलल है जो कि इंटरसेक्ट करती है ए बी और ए सी को डी और ई पर। बच्चों जैसे हमें मार्किंग देनी होती है, हम हर साल जैसे थ्योरम कराते टेस्ट ले लेते हैं बच्चों का, हमें मतलब हम चेकर को बताते हैं, जो जो भैया चेक करते हैं कि भैया ना आप बाकी थ्योरम तो चेक करोगे, बस यहाँ देखना पहली गलती आपको यहाँ मिलेगी, एक नंबर काट देना, बच्चा ये नहीं लिख रहा होगा जल्दबाजी में, ठीक है, मेरे पास स्पेस कम रहेगा, ठीक है भैया, तो बीच बीच में आप जितना जरूरी है वो लिख लो, गिवन लिख लो, और यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन बन रहा था तो बोल लो, उसके बाद आगे बात कर रहे हैं फटाफट से, आप टाइम मत लेना, मैं टाइम लूंगा, जिसका जो क्वेश्चन बन रहा था वो बोल लेगा यहाँ, फटाफट गिवन लिखना, तेज तेज करना। हाँ, बोल सकते सर, वो जो आपने पिछली प्रॉपर्टी बताई थी पैरेलल लाइंस के, इसमें ट्रायंगल बनता है, हाँ, एक उसमें अगर सर, हाँ हाँ सर, एक ही बेस से सर, अगर वो मतलब बहुत ज्यादा साइड में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस एक ही हो, पैरेलल लाइनों के बीच में हो, मतलब पैरेलल लाइनों को उसके तीनों वर्टेक्स टच करते हो, तो लेकिन एरिया तो बढ़ जाएगा ना, एरिया तो बढ़ जाएगा, किसी हालत में नहीं बढ़ेगा किसी, क्योंकि वो जैसे जैसे तुम टिल्ट करोगे ना, और सुन तो ले, जैसे जैसे और तिरछा करेगा दूर भगाने के लिए, बाहर भगाने के लिए, तो एक साइड इधर इधर जैसे कम हो रहा है, इधर ये वाली कम हो रही है, तो ये दूसरी वाली भी तो झुक के बढ़ेगी ना, वो वही रेशियो हो रही होती है सर। हाँ जी सर, आपने बताया था कि अभी वो जो सर 90 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं वो बाहर भी बन जाता है। हाँ 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 सर, वो बाहर बन गया। हाँ, तो सर आपने वो बेस बढ़ा दिया था, बेस की लेंथ बेस बढ़ा दिया था। हाँ तो सर, हाँ, ऐसे तो हम सर वो वर्टेक्स की भी थोड़ी सी ऐसे कर सकते हैं सर, एक बार हमको वो ना फिगर ना सर रिकॉग्नाइज नहीं हो पाई कि वो ट्रायंगल सिर्फ ये था, इसकी हाइट नाप रहे थे हम, ठीक है, ये तो फिगर के ऊपर ही फिगर बन गया, ये था ट्रायंगल, इसकी हाइट नाप रहे थे, ठीक है, तो हमने कहा था ये बढ़ा दिया, तो आप इसको थोड़ी बढ़ा सकते हो, मैं इसको एक सिंपल तरीके से बोलता हूँ ना, अरे आपके घर के बाहर ना एक खंभा लगा हुआ था, पोल लगा हुआ था, वो पोल तिरछा हो गया, मतलब आंधी आई और वो तिरछा हो गया, उसके टॉप पे एक पतंग अटक गई, अब तुम पतंग उतारना चाह रहे हो, ठीक है भैया, तो तुम थोड़ा ये नापना चाह रहे हो भाई पतंग कितनी हाइट पर है, तो पतंग कितनी हाइट पर है उसके लिए मतलब इस तिरछी लाइन से कोई फर्क है, या जहां पर पतंग है उसका और ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस नापोगे? ग्राउंड और पतंग के बीच का डिस्टेंस, बस यही बात है भाई, ट्रायंगल कहीं भी बना है, बेस यहाँ है, इसकी हाइट नापनी है, टॉप और बेस के बीच का डिस्टेंस होता है, तो सीधी लाइन से ही होता है, तो आप चाहे वो तिरछा खंभा आप यहाँ खड़े हो, आप ये थोड़ी बोलोगे यार ये पतंग है ये मैं खड़ा हूँ ये हाइट है पतंग की, ग्राउंड लेवल तो ये है ना, तो उसी से तो हाइट नापोगे, आगे बात समझ में? यस सर। बस अब फटाफट से भैया टू प्रूफ पर आएंगे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ठीक है अच्छे हैं, लेकिन वो एंड में ले लेना, अभी थ्योरम को इधर उधर मत होने देना, थ्योरम तक रहना सारे बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन इकट्ठे कर लो, बिल्कुल एंड में बोल दूंगा, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन वो एंड में बता देंगे आप। टू प्रूफ में बच्चों पार्ट की रेशियो इक्वल आनी, आप सब बताओगे, अगर पैरेलल लाइन बनाई तो पैरेलल लाइन से दोनों साइड के दो पार्ट बने, इधर वाले पार्ट के नाम दो, सबको अभी तैयार करना है, नाम दो जल्दी जल्दी, रेशियो पार्ट के नाम की रेशियो एडी अपॉन डीबी, इधर वाले दो पार्ट की रेशियो जब भी पैरेलल लाइन बनाएंगे पार्ट की रेशियो इक्वल होगी, प्रूफ करो, यानी पार्ट की रेशियो इक्वल लानी है, जिस बच्चे की आवाज बफर हो रही है वो बीच में मत बोलो भाई, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल एई अपॉन ईसी, प्रूफ करना है। सर होगा कैसे, अब आगे सबसे जबरदस्त बात जिसका जवाब कोई देता नहीं आपको, ठीक है भैया, कोई नहीं देता, पूछ पूछ के रह जाना चाहे, वो है सोचो, सारे बच्चे सोचो, टॉपर सोचो, बेसिक लेवल वाले बच्चे सोचो, कि सर किसी भी थ्योरम में और क्वेश्चन में ज्योमेट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, जैसे हो नहीं रहा इस गिवन पे, आप मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा बच्चों, ना आपको समझा पाऊंगा, तो मैं कोई कंस्ट्रक्शन करूंगा जिससे प्रूफ होगा। देखो आपने कब पूछा होगा किसी टीचर से और कब किसी ने जवाब दिया होगा कि जैसे मेरे को अब आगे बढ़ना है तो मैं बोलूंगा कंस्ट्रक्शन करनी है भाई, उसी से प्रूफ होगा, बी को ए से मिला, अभी सुनते रहना, पेन मत चलाना, समस्याओं के इलाज ढूंढने हमें, चाहे एक दिन में हम एक थ्योरम करें,
ठीक है भैया, मैथ बदलेगा आपका कंस्ट्रक्शन। देखो मैं तो बोलने को बोल दूंगा, देख ये थ्योरम तब प्रूफ होगी जब बी को मिलाएगा सी डी को मिलाएगा, जब डी एफ परपेनिकुलर बनाएगा ए सी पे और ई जी परपेनिकुलर बनाएगा ए बी पे। अब मैं मतलब आपसे बुलवा लूंगा, सब बच्चों से बुलवा लूंगा, ये प्रूफ कैसे होना है, तीन स्टेप में प्रूफ कर दूंगा, चार नंबर की थ्योरम खत्म है। लेकिन बाद की प्रॉब्लम क्या है सर, थ्योरम चलो तीन है, मैंने दो तीन बारी कर ली, मेरे को कंस्ट्रक्शन याद भी हो जाएगी कि यही करनी है, वही थ्योरम है वही कंस्ट्रक्शन है, और आगे मैंने समझ के करा है मैं कर लूंगा। अब प्रॉब्लम उस दिन आती है ना जिस दिन कोई नया क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल नया, एनसीईआरटी में नहीं, एक्स्ट्रा में हमने करा ही कहीं नहीं, और वो होना है हमारी नॉलेज है बस, उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं पता कि कौन सी कंस्ट्रक्शन करे कैसे हो जाए। तो देखो ऐसे सारे क्वेश्चन आप जितने मर्जी अच्छे बच्चे हो आपने फंसा रखे हैं छोटी क्लास में, कंस्ट्रक्शन का जब आइडिया नहीं आता क्वेश्चन फंस जाते हैं, हम सोचते ही रह जाते हैं, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। तो यार कंस्ट्रक्शन क्या सोच के की जाती है ये भी तो पता होना चाहिए, और मैं भी चाहे समझाने की जिद करने की कोशिश करने वाला हूँ बच्चों आपको कि कंस्ट्रक्शन क्या सोच के की जाती है, लेकिन अभी नहीं बता पाऊंगा मैं बताऊंगा जरूर, एक बारी मेरे से प्रूफ सुन लो, कंस्ट्रक्शन तो मैं अभी लिख रहा हूँ और फिलहाल मैं ये कहूंगा कि यार अभी तो चल तू भी लिख ले कॉपी कर ले, लेकिन जब मैं प्रूफ कर रहा हूँ ना तब मैं रीजन बता दूंगा मैंने क्या सोच के कंस्ट्रक्शन की थी। एक्चुअली कोई प्रूविंग क्वेश्चन का प्रूफ होता ही तभी है जब हम उसका प्रूफ सोचते हैं कहाँ अटक रहा है उसमें क्या चाहिए, जो चाहिए वो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो कर दो और प्रूफ कर दो। तो वो पहले प्रूफ तो समझाऊं ना, तो आपको आइडिया तो आए, प्रूफ आपसे बुलवाऊंगा और उसमें वजह गिनवाऊंगा, देखिए यहाँ अटक रहा है इसलिए हमने ये कंस्ट्रक्शन की है, देखिए यहाँ अटक रहा था नहीं तो होता नहीं इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन की, और पहले ये हमें दिख रहा था इसलिए हमने सोच के की। तो वो कंस्ट्रक्शन का रीजन तो मैं प्रूफ करते हुए बता पाऊंगा आपको, लेकिन हम रीजन देंगे आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन देंगे, तो उससे धीरे धीरे दिमाग खुल जाएगा, सोचना आ जाएगा। ठीक है भैया अभी ध्यान से सुनते रहना, कंस्ट्रक्शन अभी तो लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया। अच्छा कंस्ट्रक्शन को ही बताना, जब पेपर में आपको नंबर लेने हैं डार्क लाइन से होती है या डॉटेड लाइन से होती है? डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से होती है। अच्छा किसी भी चैप्टर में, अभी सुनते रहो, किसी भी चैप्टर के ड्रॉ आप पेंसिल से बनाओ चल जाएगा, ठीक है, इसके सिमिलर ट्रायंगल के ज्योमेट्री के ड्रॉ किसी भी चैप्टर के सॉरी पेन से बनाओ चल जाएगा, ज्योमेट्री के ड्रॉ पेन से नहीं चलेगा, ये आपको अपने पेपर में पेंसिल से बनाने हैं। कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन से बनती है, इसके भी नंबर काटते हैं टीचर, ज्वाइन बी एंड सी डी, एक तो हमने बी और सी डी को मिलाया, आपके दिमाग में तो बस ये चल रहा है करा क्यों, क्या सोच के करा, मैं कह रहा हूँ याद भी करना लेकिन मैं रीजन जरूर दूंगा आपको, ठीक है भैया, क्योंकि थ्योरम है इसलिए ध्यान भी रह जाना चाहिए। ड्रॉ डी एफ परपेनिकुलर ऑन ए सी, डी एफ परपेनिकुलर ऑन ए सी, सिर्फ थ्योरम में इतना टाइम लेंगे, क्वेश्चनों में इतना टाइम नहीं लेंगे, ये भी ध्यान दो, एंड ई जी परपेनिकुलर ऑन ए बी, ठीक है भैया। आप एक मिनट कंस्ट्रक्शन तक लिख लो, प्रूफ तीन लाइनों में मैं आपसे ही करवाऊंगा, और जिसको प्रूफ पहले से आता है वो बच्चा हैंड रेस कर सकता है, कहते हैं मेरे को आता है ऑलरेडी, जिसको आता है, बहुत बच्चे होंगे स्कूल से सीखा होगा या मैंने जो आपको क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड दे रखी हैं, कहीं ना कहीं से आप सीख चुके होंगे मेहनत कर। चार को आता है, देखो चार के हाथ आए हैं, मैं कह रहा हूँ चार बहुत ही कम है, मैं आप सबसे करवा लूंगा अभी, अब मेरे को कुछ समझाना नहीं है। कंस्ट्रक्शन लिख दी, राइटिंग आपको पता है भैया की बेकार है, गंदी है, बहुत अजीब अजीब सा लिख देता हूँ, तो ठीक से लिख लेना जरा, आदत पड़ गई, आदत पड़ जाती है, वही बात है, मेरे को तो पड़ गई, बच्चों को भी पड़ जाती है। अरे यार मेरे घर में मेरी छोटी सी बिटिया है, वो ही हंसती रहती है देख देख के, बोलते क्या लिखते हो आप, पढ़ाते हो बारहवीं के बच्चों को इतने बड़े बड़े, सर आपने बी की जगह डी, सर आपकी तो बड़ी हो क्या, सर मेरी तो अभी से ही बड़ी गंदी है सर। क्या बोल गया वो दूसरा बच्चा, बोलो इस बात सर, तो ए बी सर, हाँ ए बी की जगह ए सर, ए बी ए डी की जगह ए बी लिख दिया सर ड्रॉ में। अच्छा ड्रॉ में सर, इजी परपेंडिकुलर टू, एक मिनट रुक तो जा, ड्रॉ डीएफ परपेंडिकुलर ऑन एसी, ये तो ठीक हो गया सर, इजी 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 वाला, तो देख इजी परपेंडिकुलर ऑन एबी, EG बनाया किस पे, AB पे ही बनाया है, AD पे, अच्छा मेरे भाई AD का बढ़ा देगा तो AB है, पूरे को बोल दे दिक्कत नहीं आएगी, AD भी बोल सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, आ जाएं प्रूफ पे आ जाएं सर। हां हां बेटे सर बीच में बोला, बोल दो कोई बात नहीं, बोलो बोलो सर, मैं कह रहा हूं कि जैसे अगर आपने लिखा ना, जैसे AB लिखा है आपने, यही तो बात है, पर्टिकुलर जिंदगी में सीखो, पर्टिकुलर जब तक मत करो जब तक मजबूरी नहीं है, जनरल में काम चला लो, क्योंकि जनरल से पर्टिकुलर आ सकता है, पर्टिकुलर से जनरल नहीं आ सकता अगर मालूम हो तो।
ठीक है, यही तो बड़ी बात है, ये तो मैथ्स में सीखना ही पड़ेगा, है ना। एक बात पूछ रहा हूँ, देख बड़ी मजेदार बात है, कौन बोल रहा था, नाम बोलना एक बारी, अभिनव आदित्य, आदित्य भगवान तेरे सपने में आया, उन्होंने बोला बेटा मांग क्या मांगता है, तू बता दे क्या मांगता है, क्या इच्छा है तेरी भगवान से। देखो सब बच्चे सुनना, बड़ा मजा आएगा, क्या मांगेगा, जो इच्छा मांग ले भगवान से, क्या मांगेगा, जल्दी बोल, टाइम मत खराब कर सब बच्चे, पता नहीं भगवान के सामने कहेगा पता नहीं। हाँ बोल बच्चे, देखो 100 में से 100 मांगेगा, हो गई ना, ये पर्टिकुलर केस है बच्चों, ये जो कह रहा था बच्चा कि मैं छोटे में लिख लेता हूँ पर्टिकुलर, गलत तो नहीं, उसने अपनी इच्छा मांग ली। अरे बहुत समझदार होते हैं आप, कहते हैं भगवान तू मेरे पास रह जा, भगवान भी मिल गया यार तुम्हारे पास ही है, रोज जो जो मर्जी मांगते रहना यार, सब देना पड़ेगा उसे, देखो बच्चो अब छोड़ो सारी बातें। अच्छा हमें प्रूफ क्या करना था, एक बारी साइड में लिख दें, मैं पहले रफ करवा दूं आपसे, फिर तेजी से प्रूफ फेयर लिख दूंगा मैं। रफ में क्या मजा आता है, ज्योमेट्री ना बोरिंग होती है, कब बोरिंग होती है, जब हम बड़े बड़े रीजन लिख रहे हैं तो कोई कोई बच्चा सो जाता है, तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है, सारे मेरे साथ आ जाओ, 2 मिनट में प्रूफ समझा दूंगा और बुलवा लूंगा। ये प्रूफ करना था, मैंने साइड में लिखा पार्ट के रेशियो एक पर, मैं 3 स्टेप में प्रूफ करूंगा, पहले स्टेप में एडी अपॉन डीबी बनवाऊंगा आपसे, दूसरे स्टेप में एई अपॉन ईसी बनवाऊंगा, तीसरे स्टेप में इक्वल प्रूफ करवा दूंगा। जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे सोच के बोलना, हमें एडी अपॉन डीबी चाहिए पहले स्टेप में, देखो ऊपर एडी चाहिए, इसके ऊपर एडी वाला एक ट्रायंगल लेना है आपको और उसका एरिया निकालना है, पहले एडी वाला ट्रायंगल ढूंढ के नाम बोलो, ऊपर एडी चाहिए इसलिए ऊपर एडी वाला ट्रायंगल। बच्चा बोलेगा सर एडी वाला ट्रायंगल तो मैं ले लूं, लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं आया और एडी उससे कैसे बनेगा, अरे उसका एरिया निकालेंगे ना, एक बार रिपीट कर दो, सुनता रहे भाई सुनता रहे, रिपीट रिपीट बीच में मत बोल, ठीक है, वो बार बार अपने आप आ जाएगा, अब बीच में डावट मत करा करो आप क्लास को, ठीक है जी। एडी वाले ट्रायंगल का एरिया, बीच में बफरिंग वगैरह होती है ना, फिर मेरे को भी बार बार टोकना पड़ता है, सबका ध्यान भटक जाता है, किसी को भी कोई दिक्कत है आराम से सुना करो, बफर वगैरह हो गया टोका मत करो जब क्वेश्चन शुरू हो गया, तो एडी ट्रायंगल का एरिया निकालना है मेरे को, तो मैं जब हाफ बेस साइड से एरिया निकालूंगा ना, क्योंकि मेरे को एडी चाहिए इसलिए मैं बेस एडी ही ले लूंगा, तो अपने आप वो एडी ऊपर आने जा रहा है, लेकिन बड़ी बात नीचे हम डीबी का एरिया निकाल रहे हैं, डीबी वाला ट्रायंगल का एरिया लेना है, बहुत ध्यान से सुनना भैया, डीबी वाला ट्रायंगल पकड़ के उसका एरिया निकालना है, और एरिया निकालते हो हाफ बेस साइड में, बेस डीबी को ले लेंगे तो डीबी उसमें जरूर बनेगा, लेकिन बहुत ध्यान से सोच के बोलना, डीबी वाला ध्यान से देखो, डीबी वाला ट्रायंगल कौन सा है, ध्यान से देख लो, जो भी लग रहा है बोलो, जो बच्चे सोच रहे हैं ना, दो नाम सुनने में आएंगे मेरे बोलते ही, चुप हो जाओ बस भाई, मैं मीटिंग से बाहर करूंगा जो मेरे बोलते हुए भी, जिसका माइक खुला हुआ नजर आया, ठीक है जी, जैसे मैंने बोला वही चुप। डीबी वाला ट्रायंगल, सर डीबी वाला ट्रायंगल, सर डीबी वाला ट्रायंगल देखो, ये एक तो डीबी भी हो सकता है सर, लेकिन कंफ्यूजन है सर थोड़ी सी, डीबीसी भी हो सकता है सर, कौन सा लू सर, कौन सा लू, अरे अभी मेरे कहने से मैं वजह दूंगा, लेकिन अभी एक बारी के लिए रट ले, जो बाद में वजह पता होगी, लेकिन रटा हुआ ही हाथ चलेगा, पेपर में जल्दी भी करना होता है ना। डीबी वाला ट्रायंगल, वो ट्रायंगल लियो जो ऊपर वाले के साथ जुड़ा हुआ है, ज्वाइंट है। मैं एक भी रीजन खाऊंगा नहीं, मैं सारे रीजन बताऊंगा अभी आपको, अभी तो रटाने की कहीं कहीं कोशिश कर रहा हूँ। एडी वाला ट्रायंगल एडी ही था, डीबी वाले दो थे, एक ऊपर वाले के साथ जुड़ा हुआ, एक दूर भागा हुआ, जो ज्वाइंट ट्रायंगल है वो ले ले। बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन और आ गया, सर एक तो ये था कंस्ट्रक्शन की आपने वजह नहीं बताई अभी, और दूसरा ये था, अब आप कह रहे हो ये ट्रायंगल ना जुड़ा हुआ ले ले, दूर वाला मत लियो, दो वजह आपने सर छोड़ दी, बता देना जरूर, बताऊंगा अभी, देखता रहे पहले एडी और डीबी का एरिया। अब एक बारी सब बच्चे, एडी का एरिया निकालना है, तुम्हें एडी चाहिए इसलिए एडी वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हो, बोलो इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस जो मर्जी साइड ले सकते हो तीनों में से, एडी डीबी एई, एडी डीई एई, बोलो एडी चाहिए, बेस कैसे लोगे बताना है अब आपको, एडी बेस एडी चाहिए, एडी को लो। हाइट की क्या डेफिनेशन थी, सामने वाले पॉइंट से ड्रॉ 90 की लाइन, बोलो क्या हाइट, ई या ईजी जो भी बोलो, बताओ हमें पता था ट्रायंगल का एरिया निकालना, उसके लिए हाइट चाहिएगी, तो हाइट तो थी नहीं इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन में बनाई थी, इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन में बनाई थी बच्चों, रीजन मैंने छोड़े हुए ना आधा, थोड़ा सा रीजन यहाँ आया, सुनते रहना। नीचे डीबी का एरिया चाहिए, ठीक है, अब बोलो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, डीबी चाहिए इसलिए डीबी वाला ट्रायंगल पकड़ा हुआ है, ठीक है, बेस आप डीबी को ले रहे हो हाफ इंटू बेस डीबी, क्योंकि डीबी चाहिए। अब बहुत ध्यान से देखना ये ट्रायंगल, देखो थोड़े से शेडिंग कर देता हूँ, देखो ध्यान से देखो, ये वाला डीबी बेस ले चुके हो, इस ट्रायंगल का शेडेड ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हो, बेस डीबी हाइट बताओ,
बेस के वाले पॉइंट से ड्रॉ 90 की लाइन, ट्रायंगल के अंदर है या बाहर है? सर बाहर है। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, उसके अंदर तो नहीं है, उसके तो बाहर है, लेकिन बाहर भी बन सकती है सर। सीधी बात यह है सर, रूल तो इतना ही है कि बेस के सामने वाले पॉइंट से ड्रॉ, सामने वाला वर्टेक्स से ड्रॉ 90 की लाइन हाइट होती है, ये तो हमने सीखा ही था सर। तो हाफ इंटू बेस बच्चों आ गया डीबी, हाइट आ गई ईजी। अच्छा एक बात और चेक करना, देखो जरा ये ट्रायंगल, अगर मैंने ये लाइन ना बनाई होती तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालता? मेरे को जरूरत पड़ रही है तो इसलिए मैंने इसे ज्वाइन किया था। अभी सुनते रहना सर, वो जुड़े हुए ट्रायंगल क्यों बनाया आपने? मतलब ये डीबी वाला जुड़ा हुआ ट्रायंगल क्यों लिया है, दूर वाला क्यों नहीं लिया सर? अगर ये जुड़ा हुआ ले लिया ना मैंने, तो हाइट देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी वही ईजी आई थी, और नीचे वाले ट्रायंगल में भी अगर जुड़ा हुआ लिया ईजी, और ईजी से ईजी और हाफ से हाफ कट हो गया, तो हम एडी बाय डीबी बना पाए। इसलिए मैंने वो दूर भागा हुआ ट्रायंगल नहीं लिया, क्योंकि इसी पर मैं ये प्रूफ कर पाऊंगा, इसलिए मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया। ठीक है भैया, रीजन दे रहा हूँ एक एक चीज के। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देखो मैं बना चुका हूँ एडी अपॉन डीबी, अभी सब रफ कर रहा हूँ, आप पेन ना चलाएं। राइट हैंड साइड, अब अभी आप पूरी कोशिश कर रहे थे हर बच्चा की समझ लें क्या कह रहे हैं, अब आप राइट हैंड साइड मेरे को बता दोगे और बहुत मजे में बता दोगे। ए अपॉन ई सी बिल्कुल ऐसे बनेगा। अब राइट साइड देखो बच्चों, ए चाहिए आपको, ए वाला ट्रायंगल का एरिया ऊपर रखो, बोलो नाम दो ए वाले ट्रायंगल का एरिया। इन ट्रायंगल एईडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी ऊपर रख रहे हैं हम। नीचे बहुत ध्यान से सुनना, नीचे आपको क्या चाहिए राइट साइड देखो सारे बच्चे, ईसी, ईसी वाला ट्रायंगल देखो, ईसी वाला ट्रायंगल पहचान लो जिसको अभी अभी करंट लगा है। बताना दो ट्रायंगल है, एक जुड़ा हुआ ऊपर वाले के साथ, एक दूर भागा हुआ, कौन सा लोगे? अच्छे शब्द बोलते तो आप, कभी कभी जुड़ा हुआ भागा हुआ क्या है सर ये, अरे काम चल रहा है चलने दो। ईसी वाला ट्रायंगल देखो ये आ गया ईडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीसी। ठीक है भैया, अब आ जाओ दोबारा बताओ, एडी ट्रायंगल का पिछली बारी भी एरिया निकाला था, अब की बारी भी निकालूंगा, क्या बेस जरूरी है? कोई एक ही ले या तीनों में से जो मर्जी साइड ले सकते हैं? सर एक ही लेंगे। नहीं कोई भी ले सकते हैं, लेंगे तो एक ही ले, तो कोई भी सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। अब की बारी क्या चाहिए ऊपर बोलो? ए, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं बेस बच्चों, ए ही ले लो, यानी हाफ इंटू ए ही। हाइट बेस के सामने वाले पॉइंट से ड्रॉ 90 की लाइन, बोलो क्या है? इसलिए कंस्ट्रक्शन में बनाई थी क्योंकि दिख रहा था अटके की जब एरिया निकालेंगे। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, खत्म होने जा रहा है थ्योरम। ठीक है भैया, ईडीसी का एरिया निकालना है। ठीक है, नीचे आपको ईसी चाहिए था, मैं मिटा चुका हूँ, इसलिए हमने ईसी वाला ट्रायंगल ईडीसी ले रखा ऑलरेडी। बेस ईसी चाहिए, इसलिए ईसी कोई बेस ले लो, तीन साइडों में जो मर्जी बेस ले सकते हो, लेकिन अगर ईसी चाहिए इसलिए एरिया निकालते हैं। बेस ईसी को लिया तो सामने वाले पॉइंट से ड्रॉ 90 की लाइन हाइट, बोलो ट्रायंगल के अंदर है या बाहर है? बाहर है, बाहर है, बाहर है। और जुड़ा हुआ लिया है सर ट्रायंगल, इसलिए दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम जा रही है सर। डीएफ से डीएफ कट गया, हाफ से हाफ कट गया सर, ए बाई ईसी आ गया। अब चेक करो बच्चों, दो अलग अलग इक्वेशन है, जिसकी एक इक्वेशन की राइट हैंड साइड है एडी अपॉन डीबी, ध्यान से देखते रहना एडी अपॉन डीबी, और दूसरी राइट साइड है एई अपॉन ईसी। ये अलग अलग है, हमें इक्वल चाहिए, हर बच्चा जानता है। दो अलग इक्वेशन की राइट साइड अगर इक्वल चाहिए हो तो सर लेफ्ट इक्वल ला दो, आप प्रूफ कर दो लेफ्ट इक्वल है तो पक्का राइट भी इक्वल होगी। भाई मैं कर दूं लेकिन मेरे को मुश्किल पड़ रहा है, आप मेरी हेल्प करोगे? थोड़ा मैं बता रहा हूँ जो आसान है, मुश्किल वाला देखो आप हेल्प करोगे। ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड पक्का इक्वल हो सकती है, देखो न्यूमरेटर ऑलरेडी इक्वल है, एडी एडी का एरिया बिल्कुल सेम है। अगर डिनोमिनेटर भी इक्वल हुआ तो पक्का है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, और लेफ्ट इक्वल तो राइट भी इक्वल, यानी ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी भैया। लेकिन अब ये इक्वल भैया मैंने जबरदस्ती अभी लिख दिया है, डीबी ईडीसी का एरिया इक्वल है, पता नहीं क्यों है। देखो देखना इधर चेक करना, डीबी ट्रायंगल और ईडीसी ट्रायंगल देखो ध्यान से, डीबी और ईडीसी है, कैसे हुआ मेरे को नहीं पता भाई, बताओ मेरी हेल्प करो कैसे हुआ। पैरेलल लाइनों के बीच में एक ही बेस से देखो उल्टे लटके हुए से ट्रायंगल दिख रहे हैं, दो पैरेलल लाइनों के बीच में एक ही बेस से बने हुए, इनके एरिया इक्वल होंगे सर, थ्योरम है। रीजन बच्चों अभी लिखवा दूंगा या आप बना के लिख लोगे, या तो मैं लिखवा दूंगा या बना के लिख दोगे। टू ट्रायंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन एंड ऑन द सेम बेस आर इक्वल इन एरिया। ठीक है जी, अब पक्का देख लो न्यूमरेटर। भैया माइक बंद करो, एक सेकंड इस मीटिंग से बाहर कर दो। अब ठीक है, इसको मीटिंग से बाहर कर दिया हमने। हाँ सुनते रहना जरा। हाँ सर, दो ट्रायंगल जो कि दो पैरेलल लाइनों के बीच में एक ही बेस से बन रहे थे, उनके एरिया इक्वल है सर, लिख चुके हम, अभी स्टेटमेंट लिखवा देंगे। अब एक बात बताओ, ये मान लो इक्वेशन नंबर वन है, ये इक्वेशन नंबर टू है, और ये इक्वेशन नंबर थ्री है, तो बोलो सारे फ्रॉम वन टू एंड थ्री, तीनों से क्या कंक्लूड करोगे? वन एंड टू से लेफ्ट न्यूमरेटर इक्वल है, थ्री से डिनोमिनेटर भी इक्वल है, यानी लेफ्ट इक्वल हो चुकी है, तो बोलो राइट भी इक्वल होगी, यानी क्या इक्वल होगा नाम बताओ, लिखवाओ सारे।
इम्पोर्टेंट सबसे अच्छी थ्योरम 10th क्लास की प्रूफ हो गई। ठीक है, लास्ट में बच्चा कह रहा है सर मेरा टीचर तो आधा नंबर तब भी काट देता है जब मैं हंस प्रूफ ना लिखूं, तो वो भी लिखो जरूरी है। चलो हो जाओ शुरू, अब सोच के करो, किसी का भी कोई क्वेश्चन बन रहा है कहीं भी एक बारी कर लो और फिर अपने क्वेश्चन ले आना, पहले कर लो लेकिन। सर हाँ जी, अरे थर्ड इक्वेशन कैसे बनी ये वाली? हाँ जी सर। अच्छा कैसे बनी का जवाब दूंगा, पहले क्यों बनाए हम, क्योंकि जब आप खुद कर रहे होंगे आपको भाई क्यों लिखोगे आप, ये पता तो है लिख सकता हूँ क्यों लिखोगे, जरूरत भी तो पता होनी चाहिए भाई। ये जो राइट साइड अलग अलग है ना, ये हमें इक्वल लानी है दो इक्वेशनों की, और किन्हीं दो अलग अलग इक्वेशनों की राइट साइड अपने आप तो इक्वल होगी नहीं। हाँ इनकी लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी, इतना समझता है? यस सर। अब देख लेफ्ट में बता न्यूमरेटर इक्वल है या नहीं, न्यूमरेटर ऊपर वाला? यस सर है। अच्छा डिनोमिनेटर दिख रहा है अभी तो इक्वल दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है डीबी का एरिया एडीसी का एरिया? सर अलग अलग है। अगर ये सेम हो जाए तो लेफ्ट इक्वल तो राइट इक्वल मेरा थ्योरम हो जाएगा ना, तो मेरे को जरूरत महसूस हुई भाई डीबी और एडीसी का एरिया इक्वल आना चाहिए तभी होगा क्वेश्चन। तो हमने ना जाके फिगर में ढूंढा भाई डीबी, तू बता तू कौन सा ट्रायंगल है, तो डीबी ने अपने आप को देख डार्क कर दिया, बोल रहा है मैं ये वाला हूँ, ईडीसी कह रहा है देखो मैं ये वाला हूँ, दिख रहे तो अलग अलग ट्रायंगल है, लेकिन कोई वजह है तुम्हारे पास जिससे तुम कह सकते हो इनके एरिया इक्वल है? बोल बोल पुरानी थ्योरम। सर बेस इक्वल है। हाँ सर दो पैरेलल लाइनों की, पैरेलल लाइनें भी होनी चाहिए, दो पैरेलल लाइनें दी हुई थी उनके बीच में सर एक ही बेस से दो ट्रायंगल बने हैं, तो नाइन्थ में पढ़ा था इनके एरिया इक्वल होते हैं ऐसी ऐसे वाले ट्रायंगलों के, तो इसलिए हमें ये जो अलग अलग एरिया दिख रहे थे या फिगर में भी अलग दिख रहे थे लेकिन रीजन से इक्वल एक्चुअली तो है, तो हमने लिखा भाई ये इक्वल है और रीजन दे देंगे अभी हम। ठीक है भैया, तो अब फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल है प्रूफ। सर हाँ जी सर, आपने लास्ट टाइम सर गलत लिखी हुई है, मैंने तो लिखी सर ए इसी होगा, ए अपॉन इसी लिखा है मेरे भाई, इसी लिखा है, ऐसे दो बार इसी लिख दो तो ठीक है। फटाफट करो बच्चों, इस पूरी एक थ्योरम पे भैया सेकेंड एक्सरसाइज पूरी होगी, तीन थ्योरम पे तीन एक्सरसाइज पूरी होंगी और एक मिक्स क्वेश्चन करने ऑप्शनल, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये मत सोचना मात्र एक थ्योरम है, पूरा रीजनफुल बोल रहे हैं इसी पर आप पूरी एक्सरसाइज कर पाओगे और वो जल्दी हो जाएगी, वो बहुत जल्दी हो जाएगी। थ्योरम ध्यान से समझ लो। अरे थ्योरम कोई भी ट्रायंगल पे चल जाती है। हाँ जी कोई भी ट्रायंगल पे, ट्रायंगल का नाम तो हमने दिया ही नहीं, जब ट्रायंगल बोल रहे हैं तो किसी भी ट्रायंगल पे, मेरे ट्रायंगल में करके बता दो। क्या अजीब लग रहा है थोड़ा, टेढ़े मेरे ट्रायंगल पे करके दिखा दो सर, थोड़ा साइड वाइड में जा रहा हो, थोड़ा साइड में जा रहे हो, जा रहा हो वैसा। मेरे भाई पहले तू इसे सीख ले ठीक है, फिर और क्वेश्चन देख ले तो बात बनेगी। ऐसे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, कोई बात नहीं, उस कंफ्यूजन का इलाज जो आप कर रहे हो वो तो नहीं है। अरे ट्रायंगल में क्या फर्क पड़ता है, तूने सुबह खाना खाया कि नहीं खाया, नाम बता। यस सर। नाम तो बोल दे। सर वैभव। तू बहुत कमजोर बच्चा है पहली बात ये समझ, ठीक है खाना खाया ना, अब मैंने कहा लड़के ने खाना खाया, सर खाया, वैभव ने खाना खाया, खाया, अब तू कह रहा है वैभव ने खा लिया लड़के ने नहीं खाया, तो भाई वो तेरी बुद्धि है वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी, टेंशन मत ले, वो मेरे कहने से नहीं होगी। तू कह रहा है ट्रायंगल को थोड़ा तिरछा करके बना दो तब भी सब यही आएगा। हाँ हाँ बोलो, दूसरा बच्चा बोलो, अक्षी बोलो। यहाँ पे रीजन ये लिखते हैं कि ऑन द सेम बेस, बस ऑन द सेम बेस, बिटवीन टू पैरेलल लाइन भी है, दो बातें होनी चाहिए, ऑन द सेम बेस नहीं चलेगा, बिटवीन टू पैरेलल लाइन भी आएगा। मैं बोल रहा हूँ सब बच्चे भैया पहले रीजन लिखो, रिपीट में बार बार नहीं बोलूंगा, जब एक घंटा एक ही थ्योरम पे दे रहा हूँ और कोई इस पे भी नहीं समझ रहा है तो वो बैच में पढ़ने लायक नहीं है या हम उसको समझाने लायक नहीं, कुछ भी मान लो। ठीक है भैया, रीजन ए की बारे में सुन के लिख लेना, टू ट्रायंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन, टू ट्रायंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन एंड ऑन द सेम बेस आर इक्वल इन एरिया। दोबारा बोल रहा हूँ, कई बच्चों को जरूरत रहती है पहली बारी में सर सुन के लिखेंगे फिर समझ के फिर बना लेंगे। टू ट्रायंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन एंड ऑन द सेम बेस
आर इक्वल इन एरिया. हो गया जी, जिस जिसका होता जाए हैंड रेस करो, मैं फटाफट से दूसरी थ्योरम शुरू कर लूंगा. थ्योरम का नाम, अच्छा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ध्यान दो सारे बच्चे जो कर चुके हैं, सब बच्चे जो कर चुके हैं स्टेटमेंट समझो. क्या कह रहा था कि ट्रायंगल में, एक हिंदी इंग्लिश ऐसे इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में मिक्स करके, ट्रायंगल में पैरेलल लाइन बनाए, तो पैरेलल लाइन अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है. तो इसकी स्टेटमेंट बना के बोलोगे, जो बच्चे कर चुके हैं वो सुनो, जो नहीं कर चुके वो ना आराम से करो, वो मेरे को ना सुनो. तो क्या स्टेटमेंट बना के बोलूंगा, इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल देन दिस लाइन डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो. ठीक है, शॉर्ट वर्जन हो गया इसको, थोड़ा छोटे में बोल दिया. हाँ जी सर, ये जो सर थ्योरम बनाई है सर, मेरे को सर कुछ दिमाग में आया नाइन्थ का. हाँ कि सर, सर ये ले लिया हमने साइंगल, सर DBE इस कॉम्बरेंट टू ट्रायंगल DCE, जिससे सर DB इक्वल, सर जिससे DB इक्वल टू EC आ गई. अच्छा बहुत बढ़िया. हाँ सर, सर GDE कॉम्बरेंट टू ट्रायंगल FDE, जिससे सर FE और GD आ गई इक्वल, और सर GD इक्वल टू AG हो गए क्योंकि सर ये परपेंडिकुलर है. अच्छा एक मिनट रुक जाओ, बहुत बढ़िया, सारी बातें अच्छी है, मना कुछ नहीं करूंगा. पहले बस बाकी मत सुनना भाई, बाकियों के काम की बात नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात बता. मतलब जो तू कर रहा है ना, सोचने वाला तरीका बहुत अच्छा होता है, तू नए क्वेश्चन बहुत अच्छे सोच पाएगा क्योंकि लड़ रहा है क्वेश्चन से. लेकिन पहले बता DBE और EDC, DBE और EDC ये जो शेडेड ट्रायंगल है कॉन्ग्रेंट कैसे कर दिया आपने? कॉन्ग्रेंट हो जाए तो बात बन जाए, हुए कैसे? अब सुन ले, ये सब मैंने ठीक करना है, तुम्हें से बेस्ट को भी 100% नहीं पता भाई मेरे, ये कांग्रेंसी नाइन्थ में पढ़ के आए हो ना, मैं ही बताऊंगा, चिंता मत करना. हाँ जी बिल्कुल होता है. हटाऊं जी, अभी इतना हटाऊं, किसी का रह गया थ्योरम तो बोल दो. आ जाओ नेक्स्ट. ये थ्योरम पूरी प्रूफ हुई हमारी PPT, बहुत ध्यान से करना. एक मिनट रुक जाओ, प्रूफ से कुछ नहीं होगा बच्चों, प्रूफ से सेम आएगी. ठीक है, चार नंबर आ गए, अभी तो इस चैप्टर में नंबर बहुत है. ठीक है भैया, एक मिनट दोबारा आ जाओ, कुछ नया बनाते हैं इसी से. अच्छा एक बारी जैसे मैं कुछ लिखूं आपको क्या नजर आता है आप मेरे को बताना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलो क्या नजर आता है? मतलब सोचते नहीं हो आप, सीधा बोलते हैं. 10th क्लास का मैथ्स इस वजह से, मतलब कोई बच्चा सर मैं तो ना पूरा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी और मल्टीप्लाई करता हूँ, कर करा के फिर मेरे पास लास्ट स्टेप ही आ जाता है. बेवकूफ है तू, 10th का मैथ थोड़ी करेगा, चाहे तू रीजन बोल रहा है, रीजन बोलने में कोई इस वक्त समझदारी नहीं. सर मेरे को तो देखते ही नजर आता है सर फॉर्मूला. ऐसे ज्योमेट्री में क्या होता है, जो थ्योरम तुमने पढ़ी प्रूफ आया, चार नंबर अलग है प्रूफ के, लेकिन जैसे ही उस किसी क्वेश्चन में उस थ्योरम का गिवन दिख रहा है, तुम्हें बिना पूरा प्रूफ सोचे उसका रिजल्ट पता होना चाहिए. जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तुम्हें सीधा रिजल्ट पता होता है और तुम क्वेश्चन कर देते हो किसी भी चैप्टर का. तो एक बारी मेरे को बताना, मैं अलग अलग शक्लों से बोलूंगा, मैं कह रहा हूँ ये लाइन इसके पैरेलल है, रिजल्ट बोलो जल्दी जल्दी. बहुत कीमत रहेगी इस बात की, देखो अभी मैं सबको घुमा दूंगा जो आप सब सीख चुके हो, तो उल्टा पुल्टा मत होना, जिद करना मेरे साथ सही बोल पाओ आप. बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कर रहे हो आप सर, पार्ट की रेशियो इक्वल होगी AD अपॉन DB AE अपॉन EC. पहली बात आप सारे बच्चे जीत गए मेरे से, दूसरा गेम खेल रहे हैं देखो कब तक जीतोगे. मैं कह रहा हूँ इसी ट्रायंगल में DEBC के पैरेलल है, सबको पता है रिजल्ट पार्ट की रेशियो इक्वल है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड मैं बोलूंगा, राइट आप बोलोगे, लेफ्ट हैंड साइड DB अपॉन DA. गलत नहीं, गलत नहीं है, सही है. लेफ्ट मैं बोल रहा हूँ, इक्वल किसी है, राइट कौन बोलो? एक चीज तनिष्क भाई को एक छोटा सा जवाब चाहिए, तनिष्क मेरे से, मैं तेरे को पेपर में कभी मैंने बोला लाइन पैरेलल दे दी मैंने, और मैंने बोला ब्लैंक फिल कर. ठीक है भैया, यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिए, तो मैं ट्रू फॉल्स थोड़ी पूछ रहा हूँ मेरे भाई तेरे से, जो पूछ नहीं रहे वो बता क्यों रहा है तू? और जब टीचर क्लेम कर रहा है कि ये लिखना है, तो फिर ये है ट्रू, क्योंकि टीचर या किताब या पेपर क्लेम कर रहा है, तो ये तो आपकी सोच भी गलत होगी ना. मजबूरी में भी आप बोल रहे थे, आपको शायद लगा गलत है,
तो भी आपको क्वेश्चन से ही पकड़ लेना था, इन्होंने कहा है ब्लैंक फिल कर, तो मेरे को पहले ब्लैंक फिल करने की कोशिश करनी है, बाद में अपना क्वेश्चन रखना है। चल पहले ब्लैंक फिल करने की पैटर्न में कोशिश कर, फिर मैं तेरे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। बोल, मैं बोल रहा हूँ बीडी अपॉन डीए पैरेलल लाइन है, बोलो किसके इक्वल? अब एक बार बताओ बच्चों, ठीक है कोई बच्चा गलत कह रहा है मैं उसको भी मना नहीं करूंगा, वो कह रहा था सर प्रूफ तो हमने ये किया था ऊपर से नीचे रेशियो इक्वल, AD upon DB equal AE upon EC, तो आप उल्टी रेशियो इक्वल बोल रहे हो, चल जाएगा, वो प्रूफ तो नहीं किया था। मैं नहीं प्रूफ किया था, लेकिन इतनी मैथ तो यार 6 में भी आती थी आपको कि कोई भी रेशियो इक्वल है तो पलट दोगे तब भी इक्वल है, गलत तो होता नहीं है। तो अगर तुमने प्रूफ कर दिया AD upon DB AE upon EC के इक्वल है, तो तुम उल्टा भी लिख ही सकते हो कि BD upon DA equal है EC upon EA, वो भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट है, अभी भी सुनते रहना। ठीक है, अब आ गया मैं बहुत बड़ी बात पर, ठीक है ध्यान से सुनना। गिवन में अब मैं ना इसको प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, मैं थ्योरम में तो वो सब ठीक है, पूरी स्टेटमेंट बोलो, पूरा गिवन टू प्रूफ सब कुछ लिखो, 4 नंबर तब मिलता है। क्वेश्चन में तो बहुत आसान होता है इसमें, मतलब गिवन में मोटी बातें कर रहा हूँ मैं। ट्रायंगल में सब ध्यान से सुनना, ट्रायंगल में कभी भी लाइन पैरेलल मिल जाए तो रिजल्ट में बीपीटी से आप सब बच्चे मेरे को बता चुके, एक पहले नॉर्मल बात करते हैं, सर पैरेलल लाइन से इस लेफ्ट हैंड साइड के दो टुकड़े बने थे ADDB, राइट हैंड साइड के सर दो टुकड़े बने थे जो कि AEC, हम ये प्रूफ कर चुके हैं सर कि ये पार्ट की रेशियो इक्वल होती है AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC। ठीक है, कुछ खास ही बताऊंगा बच्चों, टाइम कम है वैसे इस बात को बोलने के लिए, खास बताने के लिए। ठीक है, एक बारी मेरी एक गलती बताओ, नहीं तो यार सब समझ लो क्वेश्चन यही आके गलत होंगे। ठीक है, पैरेलल लाइनें हैं AD अपॉन DB, लेफ्ट हैंड साइड AD अपॉन DB रेशियो, राइट हैंड लेफ्ट पे तो मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, क्या राइट पे मैं नीचे से ऊपर बोल सकता हूँ? ऑर्डर सर एक ही रखो दोनों तरफ, या तो ऊपर से नीचे रेशियो इक्वल बोल दो या नीचे से ऊपर, वो आप समझदार हो। जब भी ये रिजल्ट लिखो साथ में वो थ्योरम का नाम लिख दो बीपीटी, स्कूल में बोर्ड में पेपर चेक हो रहा है नाम चलेगा, स्कूल में पेपर चेक हो रहा है अपने स्कूल टीचर के हिसाब से, वो कहते हैं पूरी स्टेटमेंट लिखो तो पूरी स्टेटमेंट लिखो, वो कहते हैं नाम से काम चलेगा तो नाम लिखो, सुनते रहना। सर ये तो हम सीख चुके थे, इतना तो हमें भी पता होता है। अरे उससे अगली बात सुन, कॉर्लरी ऑफ बीपीटी, बीपीटी का प्रूफ हो गया ना, रिजल्ट और भी है कॉर्लरी ऑफ बीपीटी कि पार्ट और फुल साइड की रेशियोज भी इक्वल होती हैं, जिसे हम 4 अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आज टाइम पूरा हो जा रहा है तो अब ये बात मैं कल बढ़ाऊंगा आगे, और इसके बाद दूसरी थ्योरम लिखेंगे। ठीक है जी सर, 9 बजे क्लास है, 9 बजे आज नहीं क्लास ले पाऊंगा सर, आज कोई 9 बजे क्लास नहीं होगी सर। बीपीटी कन्वर्स भी इक्वल होता है क्या? हाँ बीपीटी का कन्वर्स भी इक्वल, मतलब ट्रू होता है, ट्रू। सर बीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। हो गया जी, दूसरा नाम थेल्स थ्योरम लिखा था। थैंक यू सर। ओके, जरूरी बात, सब बच्चों की नेक्स्ट मंथ की फीस दी हो चुकी है, इस मंथ की अपनी फीस डिपॉजिट कराइएगा। बाय, थैंक यू सर, वेलकम वेलकम।